नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए जानते हैं आज के नए कार्यक्रम में नया क्या है। तो देखिए, नया महीना शुरू होने ही वाला है और मैं लेकर आई हूँ दिसंबर 2022 का फलादेश, जो हर राशि के लिए ये महीना, आने वाला महीना कैसा रहने वाला है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और ये फलादेश आप अपने लग्न और अपनी चंद्रमा राशि से देख सकते हैं। अगर आपका लग्न और आपकी चंद्रमा राशि दो राशियां हैं, अलग अलग राशियां हैं, तो आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप दोनों वीडियोस को देखिए। कार्यक्रम शुरू करूँ इसके पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों से आग्रह करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में साझा करें, शेयर करें। आइए बिना विलंब किए मैं एक एक राशियों की चर्चा करती हूँ। सबसे पहले बात शुरू करूँगी मेष राशि और मेष लग्न वाले जातक और जातिकाओं की, कि आने वाला ये दिसंबर 2022 का महीना आप सबों के लिए कैसा रहने वाला है। ग्रहीय स्थिति मेष राशि वाले लोगों के लिए खास करके बहुत अच्छी बनी हुई है और आज हम चर्चा करें कि आपके करियर की, आपके फाइनेंस की, आपके आर्थिक पक्ष की, आपके प्रेम जीवन की, आपके वैवाहिक जीवन की और आपके स्वास्थ्य की। तो सबसे पहले मैं बात शुरू करूंगी मेष राशि वाले लोगों के लिए करियर प्रोफेशन उनके जीवन में एक खासा महत्व रखता है। बातचीत शुरू करूं इसके पहले मैं आप सबों को बधाई देना चाहूंगी कि आपके कर्म क्षेत्र में शनि महाराज विराजित हैं और यहां से देखिए वो आप और यहां से देखिए वो आपके करियर को बहुत चमकाने की क्षमता रखते हैं। महीने के शुरुआती दो सप्ताह में कार्य क्षेत्र तो पूरे महीने बहुत आपका प्रकाशित हो रहा है, बहुत अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं। आप अपने ऑफिस में एक बहुत ही मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। आपके वरिष्ठ और आपके कनिष्ठ आपकी वाहवाही करते हुए दिख रहे हैं। आपको कुछ नई जिम्मेवारियां दी जा रही हैं जिसे आप पूरे निष्ठा से और समय पर पूरा करते हुए दिख रहे हैं। बढ़ती जिम्मेवारियों से आप घबरा नहीं रहे हैं और आपकी इस कुशलता और इस कर्मठता के चलते आप पूरे ऑफिस में छाए हुए हैं और आपके सीनियर्स आपकी काफ़ी प्रशंसा करते हुए दिख रहे हैं। जब सूर्य 16 दिसंबर को आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे तो वहाँ बुध और शुक्र की पहले से ही युति बनी रहेगी और वहाँ पर जब 16 तारीख को सूर्यदेव आ जाएंगे तो अचानक से आपके प्रमोशन की स्थिति बनती हुई दिख रही है, आपके या आपके स्थानांतरण, आपके ट्रांसफर की स्थिति बनते हुए दिख रही है। अगर आप किसी नए जॉब की तलाश में थे तो ये नौकरी मिलने के क्षेत्र से एक बहुत अच्छी सूचना आ सकती है, आपको नई नौकरी मिल सकती है। अगर आप अपने मौजूदा नौकरी से नाखुश थे और एक नई नौकरी को स्विच करना चाह रहे थे तो ये जॉब स्विच करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। गवर्नमेंट जॉब में अगर आप हैं तो जैसा मैंने बताया आपके स्थानांतरण की एक संभावना, बहुत प्रबल संभावना बन रही है, आपके ट्रांसफर की संभावना बन रही है। आपके फाइनेंस की बात करूँ तो प्रथम दो सप्ताह में आपके खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। खर्चों पर लगाम रखना बहुत ज़रूरी है, जो भी गैर ज़रूरी खर्चे हैं उनसे आप बचिए। हालांकि जैसे जैसे सप्ताह बीतता जाएगा, महीने का तीसरा सप्ताह और चौथा सप्ताह आपके फाइनेंस के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति बनाता हुआ दिख रहा है। अगर आपके स्वास्थ्य की बात करूँ तो देखिए, अष्टम भाव में शुक्र और बुध रहेंगे महीने के शुरुआती 15 दिन और उसके बाद मैं देख रही हूँ कि राहु आपके लग्न में है, केतु आपके सप्तम भाव में आए हुए हैं, आपके द्वितीय भाव में नीच के मंगल चल रहे हैं। ये सारी स्थितियाँ बताती हैं कि प्रथम दो सप्ताह हेल्थ को लेकर आपको बहुत सतर्क रहना है। आप अपने स्वास्थ्य के साथ ज़रा भी खिलवाड़ नहीं करेंगे और अपने पेट का आप खास ध्यान रखेंगे और अपने आँखों का भी आप ध्यान रखेंगे। गले और शोल्डर से संबंधी कोई समस्या आपको नहीं हो इसके लिए आप बिल्कुल अपने पर ध्यान दीजिएगा, खुली हवा में सैर कीजिएगा और ताज़े भोजन का प्रयोग कीजिएगा,
बाहर के बासी और फर्मेंटेड फूड से आप अपने को बचाइएगा। ये महीना आपको स्वास्थ्य के लिए मैं कुछ ज़्यादा ही सतर्क करना चाहूँगी। आपके लव लाइफ और मैरिड लाइफ की बात करूँ, आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की बात करूँ, तो वहाँ मैं कह सकती हूँ कि एक वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स को आप एंजॉय करने जा रहे हैं। ये महीना आप अपने प्रेमी प्रेमिका दोनों बहुत क्लोज आते हुए दिख रहे हैं, आपसे विश्वास बढ़ता हुआ दिख रहा है और प्यार और रोमांस से भरा हुआ ये समय बीतेगा। इसके अलावा मैं एक और स्थिति के लिए भी आपको आगाह कर दूं, नीच के मंगल आपके प्रेम भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ से कुछ वो मिसअंडरस्टैंडिंग ला सकते हैं, जुबान में कड़वाहट ला सकते हैं, आप एक दूसरे के लिए वो एक डिस्ट्रस्ट डेवलप कर सकते हैं, या आपने अगर अपने प्रेमी प्रेमिका से कोई राज की बात छुपाई थी तो वो राज खुले में आ सकता है, उस पर से पर्दा हट सकता है और इससे आपका प्रेमी स्लैश प्रेमिका बहुत आहत हो सकती है। तो इस तरह से आप बहुत सतर्क रहिएगा अपने प्रेम जीवन में। दोनों संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल बर्थ चार्ट में क्या स्थिति है। मैरिड जातकों के लिए कहूँगी कि 1 से 15 दिसंबर के बीच का समय सामान्य रहेगा, एवरेज रहेगा, लेकिन 15 से 30 महीने का जो आखिरी 2 सप्ताह है वो आपके वैवाहिक जीवन में खुशियाँ लेकर आया है। आपके इन-लॉज से अगर आपका रिलेशन ख़राब चल रहा था महीने के शुरुआती दिनों में, तो वो अंतिम 2 सप्ताहों में आप अपने ससुराल पक्ष का मन मोहते हुए दिख रहे हैं, अपने आप कार्यकलाप और व्यवहार से उनका विश्वास और दिल पुनः जीतते हुए दिख रहे हैं। अगर आपकी कोई कहा सुनी हुई थी तो उस चैप्टर का भी पटाक्षेप होने वाला है और एक आप स्टेबल रिलेशन में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सभी मेष राशि और मेष लग्न वाले जातकों के लिए इस महीने को और बेहतर बनाने के लिए मैं एक ही उपाय बताऊंगी कि आप हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करें। मंगलवार और शनिवार को हो सके तो आप 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके ही घर से काम पर निकलें, और हो सके तो आप केले का भोग हनुमान जी को लगाएं और फिर उसे बच्चों में बांट दें उस प्रसाद को। इस तरह से मैं पूरे महीने आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति देख रही हूँ और मेष राशि वाले लोगों को मैं आश्वस्त करती हूँ कि ये दिसंबर 2022 का महीना बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। चलती हूँ, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में भेंट होगी, तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।